हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे क्लास टेंथ का, और हमारे पास चैप्टर का नाम है सेट एंड फंक्शन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखना है, इफ एक्स इज इक्वल टू 1357। ठीक है, इसके बाद अप टू 19 तक है, वाई हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 और 20 तक है, जबकि जेड हमारे पास 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर है और ये हमारे पास 23 तक है। ठीक है, अब पहला हमने इसमें से आपके पास वैसे तो इस पार्ट के जो क्वेश्चन है वो 8 है, मैं इसमें से आपको दो करके दिखा रही हूँ जो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, बाकी आप लोग सारे इसी मेथड से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, और अगर आपको अभी भी यूनियन और इंटरसेक्शन का नहीं पता तो आप सबसे पहले 5.1 देखिएगा, उसके बाद आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि आपने 5.2 में क्या करना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं पहले सॉल्व करती हूँ, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ, जो ब्रैकेट में है हमने पहले उसको ले लेना है, वाई यूनियन जेड। वाई की वैल्यू है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20। ठीक है, और यूनियन, जबकि z की वैल्यू है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। हाँ जी, अब मैंने इकट्ठा इसको लिख लेना है, मैं कैसे लिखूंगी, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 and 23। ये y यूनियन z आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमने x को भी शामिल करना है। अब मैं लिखूंगी x यूनियन y यूनियन z। ठीक है, x पे मैं लिख लूंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, जबकि यूनियन y यूनियन जो z है उसमें मैंने ये सारा लिख लेना है। ठीक है, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 and 23। हाँ जी, अब मैं इसको आपको इकट्ठा लिख लेती हूँ, सबको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 0 पहले आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8, ठीक है, फिर 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16, 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20 और फिर आ गया 23। ठीक है, इसको आप जन सा है इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स लिखिएगा। ठीक है, आप टू सौ ना लिखिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किन नंबर्स को लिखना है और किन को नहीं लिखना। ठीक है, हाँ जी, अब सेकंड है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। मैं सबसे पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करती हूँ। ठीक है, एक्स की जगह पर मैंने इसकी वैल्यू, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लिए, इसका सेट लिख लिया है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19, जबकि y की जगह पर मैंने लिखा है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20। ठीक है, अब मैं इन सबको इकट्ठा लिख लेती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं x यूनियन z लिख लेती हूँ। x यूनियन z, x की जगह पर तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आ जाएगा, और यूनियन y की जगह पर हम लिख लेते हैं, हाँ जी सॉरी, यहाँ पर z आ जाएगा, z की जगह पर लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and 23। अब इसका यूनियन ले लेते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 and 23। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि x यूनियन y और x यूनियन z है, इसकी इंटरसेक्शन ले लेती हूँ, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। ठीक है, अब x यूनियन y हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 and 20, और इंटरसेक्शन x यूनियन z लिख लेती हूँ। हाँ जी, x यूनियन z जो हमारे पास है ये है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 and 23। अब इसमें हम कॉमन चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है, मतलब कि एक जैसा क्या है। इंटरसेक्शन में हमने एक जैसी चीजें लेनी होती हैं। तो यहाँ देखें, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे 11 है, 13 है, ठीक है, 15 है और 17 है। ठीक हो गया, तो ये वाले हमारे पास एलिमेंट आ गए। अब मैं इनको लिख लेती हूँ एक सेट बना के, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and 17। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। स्टेप वाइज करेंगे, स्टेप वाइज करना बहुत आसान है। जब भी आपने करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट होगी उनको सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने इसका भी और इसका भी, ठीक है, इन दोनों का जो भी सेट आएगा उसकी आपने इंटरसेक्शन ले लेनी है। मैंने ये पहले x यूनियन y लिया है, फिर x यूनियन z लिया है, ठीक है, फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लिया है, जो कॉमन एलिमेंट थे उनको मैंने अलग कर दिया है। ठीक हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन को समझने के लिए एंड तक वीडियो लाजमी चेक भी कीजिएगा और देखिएगा भी सही। हाँ जी, ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, बी हमारे पास 2, 4, 6, 8 है, और सी हमारे पास 1, 4, 8 है। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करनी है इसकी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इस जो क्वेश्चन है, इसके जो पार्ट आपके पास हैं वो आपके हैं 4, ठीक है। तो इनमें से मैं 2 करवा रही हूँ तो आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है। अब मैं इसकी क्या लिख लेती हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, एक जगह पर ए का लिख लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंटरसेक्शन बी की जगह पर बी 2, 4, 6 और 8। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमने फिर से कॉमन लेने होते हैं। इंटरसेक्शन में हमने हमेशा याद रखिएगा कॉमन एलिमेंट लेने हैं। तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ठीक हो गया। अब हम ये लिख लेते हैं 2, 4 और 6, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, जो कि है बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब देखें, बी की जगह पर मैं क्या पुट करने लगी हूँ, इसका सेट 2, 4, 6, 8, और इंटरसेक्शन ए की जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इंटरसेक्शन आ गई। अब हमने फिर देखना है कि इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है एंड 6 कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अलग करके लिख लेते हैं 2, 4 एंड 6, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। हाँ जी, सेम, आप देखें क्या क्या है, 1 सेम है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, 4 भी, 5 भी, 6 भी एंड 8 भी, सारे सेम है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं अलहदा से और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारी लेफ्ट और राइट साइड बराबर आई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो आई है वो हमारे पास इक्वल आई है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपने प्रूफ करनी थी, ठीक है। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है, या जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा आपने इनको किस तरीके से करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जाने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड
फ्रेंड और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।